हेलो एवरीवन वन बोट न्यूज टूए चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में हॉर्मोन्स द केमिकल सब्सटेंस हॉर्मोन्समिकल आर प्रोड्यूस्ड इन डक्टलेस ग्लैंड इन अवर बॉडी हॉर्मोन हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होता है डक्टलेस ग्लैंड से इन अवर बॉडी डक्टलेस मतलब कि सीधा जो रिलीज हो जाता है ब्लड में एक्शन ऑफ हॉर्मोन एज कॉम्युनिकेशन अमंग सेल इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं जो एक्शन जो होता है हारमोन का ये क्या करता है कम्युनिकेशन करता है दो सेल्स में इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ हारमोन काउस मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है किसी हॉमोन की तो वो काउस करती है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को मैमल जो है मैमल्स में जो सिक्रीशन होती है हॉमोस की वो होती है एंटायर लोब ऑफ पिटी ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन क्लासीफिकेशन ऑफ हारमोन हारमोन जो है वो तीन पार्ट में जो है डिवाइड है स्टोयड हारमोन प्रोटीन और पोलीपैप्टमोन एंड थर्ड इस अमाइन हारमोन जो हमारे पास स्ट्रॉड हारमोन कंटेन स्टोयड न्यूक्लियस फोर रिंग नेटवर्क थ्री साइक्लोहेक्सिन एंड वन साइक्लोपेटेन रिंक जो हमारे पास स्टोड हारमोन होता है वहाँ पर स्टोयड न्यूक्लियस वो कंटेन करता है जिसमें फोर रिंक का नेटवर्क होता है थ्री तीन इसमें जो है वो साइक्लो हेक्सन है और वन जो है वो साइक्लो पेंटेन रिंग है जैसे कि यहाँ पे ये सिक्स साइक्लो हैक्सेन ये भी तीन और वन जो है ये साइक्लो पेंटेन उसके बाद स्ट्रॉइड हॉर्मन की जो है इसमें जो है सेक्स हॉर्मन आते हैं टेक्सटोस्टोन टेक्सी से जो होता है रेगुलेट डेवलपमेंट तो एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हॉर्मन एक्स्ट्रोजोन जो ऑफिस होता है कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोगेस्ट्रोल जो है ल्यूटिन ल्यूटिनम से रिलीज होता है कंट्रोल द डिवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी उसके बाद आता है अडरनल कोटेस जो कोर्टिसोन जो अडर्नल कोर्टेक्स से रिलीज होता है रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल द बैलेंस वाटर एंड मिनरल बॉडी उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है प्रोटीन और पोलीपैप्टाइट हॉमोन हॉमन कंटेंट पेप्टाइड चेन, उनको बोलते हैं प्रोटीन फिर पोलीपैप्टाइट हॉर्मन एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीटोसिन वैक्सोपाइसन एंड इंसुलिन ऑक्सीटोशन ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टियो पिकचि ग्लैंड से रिलीज होता है कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड रिलीज मिल्क फ्राम द मेमरी ग्लैंड उसके बाद आता है से रिलीज होता है कंट्रोल द रीअबोर्वेशन ऑफ वाटर इन द किडनी एंड थर्ड इज इंसुलिन पेंक्रिया से रिलीज होता है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज मेंटेन ग्लूकोज इन द बॉडी उसके बाद आता है अमाइन हॉर्मोन अमाइन हॉर्मोन जो होता है वो वाटर सोल कंपाउंड होता है अमीनो ग्रुप एंड द स्ट्रक्चर दाइव फ्रॉम अमीनो एसिड इसलिए इसका नाम जो है अमायन हॉर्मोन पर है एग्जाम्पल के लिए अर्डनलाइन एंड थायरोजाइन अडर्न लाइन और एपिनेफ्राइन जो हमारे पास रिलीज होता है अडर्नल मेडुला से इंक्रीज पल इंक्रीज पल्स रेट एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर इट रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम लीवर ग्लाइकोज़न एंड फैटी एसिड फ्रॉम फैट इन एमरजेंसी ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और अगर एमरजेंसी के टाइम पर जो हमें रिलीज करता है ग्लूकोज को लीवर ग्लाइक्रोजन से और फैटी एसिड को फ्राम फैट इन एमरजेंसी फैट को रिलीज़ करता है ठीक है उसके बाद थाजाइन ग्लैंड जो होता है वो थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन जो हम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिपिड्स के और प्रोटीन के प्रोटीन के इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू